अगर आपको भी डर लगता है तो आप इस बीमारी के शिकार हैं। जल्दी कीजिए और अपने किसी साइकोलॉजिस्ट को संपर्क कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छेका। सो सबसे पहले, अगर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एंड में आपको, इस वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है एक दारू तथ्य। तो उस दारू तथ्य को जानने के लिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑलराइट, सो टुडे वी गोना रिव्यू होगार्डन बियर। सो यू नो गाइज, इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीट बियर का रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है, जैसे कि बीरा स्ट्रॉन्ग, बीरा वाइट, वाइट ऑल की बियर्स का रिव्यू किया है मैंने, हॉपर तक का वीडियो रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सो अब उसके बाद में ये जितनी भी सारी बियर्स हैं उन सब का बाप कह लो व्हेन इट कम्स टू वीट बियर। माना जाता है कि ये जितनी भी बियर्स हैं लाइक बीरा, वाइट आउट, जो हमारी स्पेसिफिकली इंडियन बियर्स हैं जो इंडिया में बनाई गई हैं, इनकी जो इंस्पिरेशन है वो है होगार्डन। सो अब ऐसा है ना कि इन सारी बियर्स को रिव्यू करने के बाद जब हम होगार्डन का रिव्यू कर रहे हैं तो इट्स लाइक यू नो रिव्यूइंग अ पॉप ऑफ ऑल दिस बियर। सो सबसे पहले बात करते हैं होगार्डन नाम की। वाइल हम इसे प्रोनाउंस करते हैं होगार्डन नाम से, लेकिन एक्चुअल में बेल्जियम में इसे प्रोनाउंस किया जाता है होगार्डन। और ये जो होगार्डन नाम है इस बियर को मिला है एक गांव से जहां पे इस बियर की शुरुआत हुई थी इन 1445। कुछ मॉन्क्स ने इस बियर की रेसिपी डिज़ाइन करी थी और इस वीट बियर को बनाना शुरू किया था। एंड आफ्टर दैट यू नो इसी एक विलेज में, होगार्डन विलेज के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 36 ब्रिवरीज जो हैं वो ओपन हुई थी और वो सिमिलर रेसिपी को फॉलो करते हुए बियर्स जो है वो बनाती थी। वाइल इन 1445 के अंदर मॉन्क्स ने इस बियर की रेसिपी को डेवलप किया था, इसे बनाया था, लेकिन कुछ सालों बाद जब ये सारी ब्रिवरीज जो है वो बंद हो गई, उसके बाद इन 1965 में पेरिसेलिस ने इस बियर को लॉन्च किया दोबारा, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही पेरिसेलिस के ऊपर कुछ स्टेप हो गया और स्टेप को, उस लोन को क्लियर करने के लिए उन्होंने सहारा लिया ए बी इन वेव ने कुछ स्टेक लिए और होगार्डन को कंटिन्यू किया। बट विद द टाइम इन 1987 में, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पेरिसेलिस ने होगार्डन को छोड़ दिया, बिकॉज ही उनका एक अलग ओपिनियन था। ए बी इन बेव एज अकॉर्डिंग टू हिम ए बी इन बेव उस रेसिपी में कुछ चेंजेस करना चाहते थे एंड ही वॉज नॉट ओके विद दैट, एंड दैट्स द रीज़न ही लेफ्ट होगार्डन। और उन्होंने US में अपनी एक नई बियर की शुरुआत करी जो आज भी अवेलेबल है, सेलिस वाइट के नाम से। तो अगर आपको जो ओरिजिनल होगार्डन की रेसिपी डेवलप की हुई थी, आई एम नॉट टू श्योर इस रेसिपी में ए बी इन बेव ने कुछ चेंजेस किए या नहीं किए, इफ यू वांट टू गो विद दैट ओरिजिनल रेसिपी देन सर्टेनली इफ यू गेट अ चांस यू कैन ट्राई सेलिस वाइट बियर। चलो बात करते हैं स्पेसिफिकली दिस कैन की। ये कैन है 500 ml का, जिसकी प्राइस है 250 रुपये इन मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 5%, विच इज़ लाइक नॉट एक्सीडिंग 5%, सो टू बी प्रिसाइज 4.9, सो इट इज़ अ लाइट बियर। और अगर मैं इस बियर के इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर यूज हुए हैं बार्ले, वीट, स्पाइसिस, ऑरेंज पील, कोरिएंडर, ईस्ट, वाटर। So these are the you know ingredients what they have used to make this beer, and of course I forgot to tell you hops. Yeah, so hops as well. But you know if आप इस कैन को देखेंगे तो इसके ऊपर mention किया हुआ है drink the Hoegaarden way, एक तरीका दिया गया है which is like chill, pour 2/3, then swirl, then top off and enjoy. And I would like to tell you ये तरीका क्यों दिया गया है। This beer is a bottle conditioned beer, जिसका मतलब ये होता है कि जब इस beer को bottle किया जाता है उसमें additional yeast डाला जाता है। So ये जो तरीका दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि at times जब आप Hoegaarden को पी रहे होंगे, अगर आप इसे glass में pour करते हैं, so you will see small particles. ये जो small particles हैं ये हैं yeast के, क्योंकि ये beer है bottle conditioned. सो इसलिए कभी कभार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको स्मॉल पार्टिकल्स दिखेंगे तो वो यीस्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप उसको बियर के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ऑलराइट, तो चलो अब हम इस बियर को खोलते हैं, वीट बियर के बाप को खोलते हैं और नोज करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखते हैं कितनी शानदार है ये बियर। एंड यू नो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे जब मैंने हॉपर का रिव्यू किया था तो एक क्वेश्चन पूछा था कि हॉपर से बेटर है हॉ गार्डन या नहीं, तो इसका आंसर भी मैं आज दूंगा मेरे भाई। सो लेट्स पोर, लेट्स टॉक अबाउट दिस बियर। कलर की बात करूँ, येलो कलर है, क्लाउडी है, हेजी है, जैसा कि एक टिपिकल वीट बियर होती है। एंड आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जो टिपिकल वीट बियर बनती है उसके अंदर होते हैं अनमॉल्टेड वीट, दैट्स द रीजन ये जो है काफ़ी क्लाउडी रहती है। कलर मैंने आपको बता दिया येलो है, कार्बोनेशन डिसेंट है एंड हेड जो है वो काफ़ी बड़ा है फिलहाल। सो अरोमा लेते हैं एंड देन विल टेस्ट। काफ़ी फ्रूटी नोट्स हैं एंड यू नो आई वुड से फ्लावरी नोट्स हैं, जैसे कोई फूलों की खुशबू होती है, हॉ गार्डन नाम से ही आपको पता चल सकता है कि गार्डन वाली फीलिंग आने वाली है। सो वैसे नोट्स भी हैं इस बियर के। यस, आई एम गेटिंग ऑरेंज एज वेल एज कोरिएंडर वेरी प्रोमिनेंटली ऑन माय नोज। थोड़ा सा सिट्रसी अरोमा आ रहा है मुझे। सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। अब इसे पी के देख लेता हूँ। चीज़ गाइस, वेरी क्रिस्प, काफी अच्छी बियर है व्हेन इट कम्स टू वीट बियर। और इसके अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो यस, फर्स्ट फ्लेवर व्हाट आई फेल्ट ऑन माय पैलेट इज ऑरेंज, उसके साथ साथ में कोरिएंडर का टेस्ट भी बिल्कुल आ रहा है। एंड लेट मी टेक अनदर स्मॉल सिप एंड सी व्हाट एल्स आई एम गेटिंग। हल्का सा स्पाइस, आई थिंक ब्लैक पेपर यू कैन से, बट इट इज नॉट लाइक कि आपको यू नो तीखा लगने वाला है या ब्लैक पेपर का एक प्रोमिनेंट टेस्ट आने वाला है, नहीं, अ हिंट ऑफ स्पाइस यू गोना फील ऑन योर पैलेट। बिटरनेस की बात करूँ तो बिल्कुल भी बिटर नहीं है, काफ़ी फ्रूटी है, काफ़ी फ्लावरी है। सो ऐसा लग रहा है कि यू नो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स एंड फ्लावर का। अगर आपने हॉ गार्डन ट्राई नहीं करी है, अगर आपने दूसरी वीट बियर, इंडिया की वीट बियर ट्राई कर ली है लाइक बीरा, वाइट ऑल, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि वो बियर्स बुरी हैं, काफ़ी बेहतरीन बियर्स हैं वो भी, लेकिन अगर आपने हॉ गार्डन ट्राई नहीं करी है तो बिल्कुल आप हॉ गार्डन भी ट्राई करिए एंड यू विल बी एबल टू फील दैट डिफरेंस। तो अब सवाल पे आते हैं, जो सवाल मुझे पूछा गया था कि हॉ गार्डन हॉपर से बेटर है, आई वुड से 1000 times। हॉपर वीट बियर का मैंने रिव्यू किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको रिव्यू मिल जाएगा, और जितने भी सारे दूसरे वीडियो के लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लाइक बीरा, वाइट ऑल, हॉपर के साथ साथ में ये सारे वीडियोस जो हैं उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये मेरा जजमेंट है या मेरी ओपिनियन है कि हॉपर से तो बिल्कुल ही बेस्ट है एंड आई थिंक हॉपर का प्राइस भी इससे ज़्यादा है। आई थिंक दैट वॉज 290 का 330 ml का पाइंट था और ये 500 ml का कैन है, विच इज इन 250। सो यस, फॉर मी दिस इज बेटर देन हॉपर वीट बियर। सो अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की, और आज का दारू तथ्य है एक खाली ग्लास के बारे में। लोगों को एम्प्टी ग्लास का भी डर होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेनोसिलिका, फियर ऑफ एन एम्प्टी ग्लास कॉल्ड एज सेनोसिलिका। तो अगर आपको भी डर लगता है तो आप इस बीमारी के शिकार हैं, जल्दी कीजिए और अपने किसी साइकोलॉजिस्ट को संपर्क कीजिए। जस्ट किडिंग गाइस, हो सकता है, ज़्यादा लो मत लिया करो, खाली ग्लास है तो भर लो उसे और पी लो।
ठीक है. सो यस, हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करो चैनल को भैया और प्रेस द बेल आइकन और उसके साथ में ऑल दबाना सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे. दिस वॉज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे. विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. चीयर्स.